हम सारे आज यहाँ पे चटियार और कसिया गांव के सारे हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक सिंपल सा कंसर्न ना, ये हमारा एक 2 किलोमीटर का पैच है एक रोड का। ये सिंस माय बर्थ मुझे लगता है यहाँ पे कभी कोई ब्लैक टॉपिंग का काम नहीं हुआ। कोई काम करता भी है अगर तो 10 दिन चलती है, एस्फल्ट चलता है तो उसके बाद वो उखड़ जाता है। इतना सब स्टैंडर्ड वर्क करते हैं ये। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी बार कॉन्टेक्ट किया है कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम करो, इतनी डस्ट है, हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में बच्चे नहीं जा सकते हैं और इतनी मतलब इतनी गंदी हालत है यहाँ पे, 2 मिनट बंदा रोड में खड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चे यहाँ पे गाड़ियों का वेट करते हैं, यहाँ से चल के स्कूल में जाते हैं। 3 स्कूल हैं हमारे इस 2 किलोमीटर के पैच में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपकी रोड दिखाएं, आपकी रोड दिखाएं कि रोड की क्या कंडीशन है। और अगर मैं और ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आए, खाली 100 मीटर या 200 मीटर इस रोड पे चल के दिखा दे, अगर 200 मीटर इस रोड पे चल के दिखा दे तो हम मतलब उसका थैंकफुल रहेंगे कि अगर वो इस सड़क पे 200 मीटर भी चल के दिखा दे। और इतनी डस्ट है कि मुझे नहीं लगता कि 10 मीटर भी चल पाएगा यहाँ पे वो। तो हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब रिक्वेस्ट है और एक अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ का ये जो काम है, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, हमारे लोग यहाँ के सफर कर रहे हैं, हमारे शॉपकीपर सफर कर रहे हैं। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो ये काम है, ये ब्लैक तो हमारा ये जो है काम है रोड का, ये जल्द से जल्द इसको फाइनल किया जाए। अदरवाइज हम ये रोड जो ये हमने ब्लॉक किया, ये तब तक ब्लॉक रहेगी जब तक यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं आता है और यहाँ पे हमारे ग्रीवेंसेस को नहीं लेता है। थैंक यू। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे और भी लोकल्स हैं, उनसे आप बात करें। अस्सलामुअलैकुम जनाब, जैसा कि अभी हमारे ये शाह साहब ने आपको बताया है, हम ये बताना चाहते हैं तुस मेरा मैं पूरा एरिया कवर करना, तुस मेरा टूरने रहो, बाकी बंदे उठी करने रहो। हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा मुद्दा है कि 2 किलोमीटर का हमारा ये पैच है जिसपे आज तक काम नहीं हुआ, और आज अगर ये काम हुआ है सिर्फ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, ये मिट्टी और सिर्फ ये रोड़ी डाली है सिर्फ हमें परेशान करने के लिए। सर हम ये चाहते हैं, हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि अगर इस पर रोड़ी डाली है और इस पर सिर्फ मिट्टी डाली है, मिट्टी वो इसलिए डाली है उन्होंने सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, हमारे बच्चों को परेशान करने के लिए जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर पैदल सफर करके स्कूल में जाते हैं, जब वो वापस आते हैं हमें उनकी पहचान नहीं आती, उनकी यूनिफॉर्म की बुरी हालत हो जाती है, हस्ता हालत है। सर ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये बताना चाहते हैं कि आप एक दफा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पे विजिट करके सिर्फ एक दफा इस रोड की हालत देखे, और उसके बाद सर मसला ये है कि यहाँ से बड़े बड़े टेम्पो डैम्पर वगैरह टिपर ये वो गुजरते हैं। सर ये है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह देखना भी नामुमकिन है धूल की वजह से। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दफा एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कोई ना कोई यहाँ आके विजिट करे और इस रोड की जो हस्ता हालत है उसको देखे। हम इस रोड को तब तक ही ब्लॉक रखेंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ तक ना पहुंचे, और हमारी ये बिल्कुल जायज सी डिमांड है। इसमें यह है कि हम कोई फितना फसाद नहीं करना चाहते, हम यही चाहते हैं सादगी तरीके से कोई ना कोई बंदा हमारे पास आए और हमारी ये जो जायज सी डिमांड है इसको आके देखे। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम आपको और भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करवाएंगे। हमारे मोहल्ले के आरिफ साहब सर सर तो मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे अभी है, हम दिखाना चाहते हैं स्कूल बसेस खड़ी हैं, बच्चे सफर हो रहे, इनकी पढ़ाई सफर हो रही है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुँचे, और ताकि ये बच्चे भी सफर ना हो और ना ही कोई फितना हो, ना ही फसाद हो, अमन तरीके से हमारी बात सुनी जाए, हमारी जो जायज डिमांड है उसको पूरा किया जाए, या तो इस रोड की पूरी तरह से ब्लैक टॉपिंग की जाए, अगर वो नहीं हो सकती तो यहाँ पे 2-3 तरीके से लिंक रोड निकाली गई है, इस रोड को ब्लॉक किया जाए कुछ दिनों तक, जब तक इसका काम मुकम्मल नहीं होता तो दूसरी जो लिंक रोड है उनको चालू किया जाए, गाड़ियों को वहां से जाने की इजाजत दी जाए और हमें ये जो परेशानी है इससे निकाला जाए।
तो सर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूलों के बच्चे हैं, छोटे छोटे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, इनके फ्यूचर का मसला है। अगर यहाँ पे हम काफी देर पर इनको खड़े रख सकते हैं तो इनकी वजह से इनको भी प्रॉब्लम होगी और इनकी पढ़ाई सफर हो सकती है। सर हम यही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जल्दी से जल्दी यहाँ पे आए और हमारी ये जो जायज़ सी डिमांड है इसको पूरा किया जाए।